हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं आपको बताने के लिए कि बाजार का आउटलुक क्या होगा आने वाले समय में। अब बात कर लेते हैं फटाफट गोल्ड की। कुणाल शाह, गोल्ड में लगातार तेजी हमने देखी है ब्रेक्जिट के बाद, क्या आपको लगता है कि मार्केट में अभी अपसाइड और बाकी है? जी हाँ, ब्रेक्जिट के बाद हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखा है और गोल्ड में मुझे ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश लग रहा है। मेरी राय में आप मौजूदा स्तरों पे भी बाइंग कर सकते हैं, 30,000-31,300 के आसपास अच्छा लग रहा है गोल्ड। और आपको फिर से गोल्ड के प्राइजेस एक दो दिन में 31,550-600 के। ठीक है कुणाल, आपको रोकना चाहूंगा। कैबिनेट के फैसले के कुछ और अपडेट आए हैं और मिनरल पॉलिसी को भी यहाँ पर मंजूरी मिली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। ग्रेचुटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। एक बहुत बड़ा फैसला है कैबिनेट का ये केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी मंजूरी यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट इसमें आए हैं और काफ़ी बड़ा कदम यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से उठाया गया है। ग्रेचुटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है और इससे जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनको एक बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो हालांकि, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत भी जुड़े हैं फोनलाइन पर। सर स्वागत है आपका। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर इसका? ये एक्सपेक्टेशन था कि सरकार के पास अभी काफी रेवेन्यू कलेक्शन है तो 7वें पे कमीशन ने अच्छा कुछ वेतन की मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है उनको ग्रेचुटी से लगा के सैलरी बढ़ाने से पेंशन वगैरह सब में बहुत बड़ी बख्शीशी मिलने वाली है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये तो हम सोच रहे थे। पर इतनी जल्दी आएगा ये भी नहीं सोचा था। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है क्योंकि गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात आपको एक जानना होगा कि ये पैसा जो है, ये पैसा इन लोगों के हाथ में जाएगा तो आखिर वो लोग उनका खर्चा करेंगे और उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी बाद में GST और इनकम टैक्स वगैरह मिलते रहेगा। तो धीरे धीरे इन्हीं से ही गवर्नमेंट को इसका फायदा भी होगा और लोग जो लेकिन धूत साहब लेकिन जो बात आप कह रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि महंगाई को लेकर लगातार सरकार की चिंता बनी हुई है और जो टारगेट यहाँ पर RBI की तरफ से तय किया गया था 5% का, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद ये लक्ष्य पाना अभी मुश्किल होगा? इस बार ऐसा है, भगवान की कृपा से बारिश सब जगह अच्छी हो गई है तो जो फूड आइटम का प्राइस है वो अब ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो इन्फ्लेशन RBI ने 5% बताया तो बहुत ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आधा परसेंट बढ़ सकता है, पर उसकी भी करेक्शन आएगी। यस, पैसा लोगों के हाथ में आने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, पर सरकार ने जो मॉनिटरी कंट्रोल डाले हैं और इस बार आप देखेंगे कि ऑयल के प्राइस भी कम हो गए हैं और फॉरेन से काफी पैसा जिसे MPI करे, FII इन्वेस्टमेंट करे वो काफी आ रहा है। तो उसके कारण देश में जो है अच्छी तरह से प्रोडक्शन होगी और सप्लाई भी ज्यादा होगा। तो ये सब देखते हुए सप्लाई अगर अच्छा है तो ये सब देखते हुए प्राइस बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। तो 5% का जो RBI ने बताया है कि इन्फ्लेशन उतना ही रहेगा, मुझे भी लगता है ये पैसे से कोई ज्यादा बढ़ेगा। ओके, एग्जैक्टली आपने कहा मिस्टर धूत कि इन्फ्लेशन का कोई भी बहुत बड़ा खतरा नहीं लग रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जब ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो मंजूर की गई हैं उसका जो पैसा आएगा अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 करोड़ रुपए, 1 ट्रिलियन लग रहा है, देखें वो इकोनॉमी में आएगा। सर एग्जैक्टली वाइट गुड सेगमेंट में आप कितना इंपैक्ट देखते हैं और आई थिंक FY17 के कौन से क्वार्टर से आप इसका फाइनेंशियल पे इंपैक्ट देखते हैं? धूत साहब, FY17 में मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर से ही ये शुरू हो जाएगा और 1,00,000 करोड़ जिनके हाथ में आएगा उनको सबको क्वालिटी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन सब चीजें चाहिए, मोबाइल फोन तो आज सबके पास है ही। तो इस प्रकार से ये लोग ये खर्चा करेंगे और इसका उपयोग कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए होगा और कंज्यूमर कंपनी जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको काफी अच्छा जो अभी थोड़ा जोर आया है मार्केट में बारिश के कारण वो और बढ़ा के मिलेगा, दिवाली के बाद और बढ़ेगा। US वगैरह ऐसा देखते हुए मुझे लगता है 2016-17 जो है ये
कंज्यूमर गुड्स के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये पहले से उम्मीद थी कि जब सरकार इस प्रकार की कोई बेनिफिट देता है तो कंज्यूमर गुड्स को अच्छा रहता है, तो उसका फायदा होगा या नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई इन्वेस्टमेंट से या प्रोडक्शन कॉस्ट कम होके फिर आगे जो यह एक रफ्तार में भी है कंज्यूमर ड्यूरेबल को उसका फायदा होगा। और कंज्यूमर ड्यूरेबल अभी ऐसा देखिए, वैसे तो इंडिया इज अ प्रोडक्शन हब फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केटिंग, तो यहाँ वर्ल्ड का सब प्रोडक्शन यही आने वाला है आगे जाके, तो उसका भी फायदा होगा। तो ये एक स्टेप बहुत अच्छी है कि लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, छोटा पैसा नहीं, 1,00,000 करोड़ जा रहा है, तो फायदा हो गया। तो सर एग्जैक्टली मैं जानना चाहूंगा सर, आई मीन जिस प्रकार की डिमांड है वी वाइट गुड सेगमेंट में, जिस कैपेसिटी पे आप लोग काम कर रहे हैं उसी कैपेसिटी पे आई मीन करते रहेंगे, या फिर आपको लगता है कि FY17 के अंत तक आते आते या फिर मिड में डिमांड को देखते हुए कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आप लोगों को करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंशन आजकल इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है, क्योंकि जो है वही कैपिटल गुड्स है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के पास लोग ध्यान देते हैं। जैसे हमने हमारे फैक्ट्रियों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, तो वो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और लोगों को मैन पावर ट्रेन किया है उन्हीं से ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे, और वो जो ज्यादा प्रोडक्शन आने वाला है उसके लिए मार्केट भी मिल गया है। ओके मिस्टर धूत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और देखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स करीब 35 अंक ऊपर है, लेकिन आप सेक्टर स्पेसिफिक इंपैक्ट देखिए जरा। प्लीज एक बार आप आइए मारुति पे, एक बार आप आइए हीरो मोटरकॉर्प पे, एक बार आइए आप बजाज ऑटो पे, फिर आप आइए टीवीएस मोटर्स पे, उसके बाद हम वाइट गुड सेगमेंट को देखेंगे। प्लीज एग्जैक्टली आइए एक बार। देखिए एक अनुमान के मुताबिक आज की इस घोषणाओं के बाद लगभग वो पैसा मार्केट्स में आएगा 1,00,000 करोड़ रुपए के, 1 ट्रिलियन के आसपास का अगर आप देखें तो पैसा मार्केट्स में आएगा। मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर, टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप हीरो मोटर को आपको देखें 2.5% ऊपर कारोबार करता हुआ, टीवीएस मोटर्स 2% ऊपर, बजाज ऑटो लगभग 3.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। एक बार जरा वाइट गुड सेगमेंट में आइए, वाइट गुड सेगमेंट वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? और देखिए आज की कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण रिटेल को लेकर फैसला आना था। इनफैक्ट जो मॉल्स हैं उनके रात के खुलने तक, रात भर खुलने रहने को लेकर जो फैसला था अब तक नहीं आया, एग्जैक्टली मैं उस पर आऊंगा। लेकिन एक बार वाइट गुड सेगमेंट पे आइए प्लीज जल्दी फटाफट। वीडियो कौन क्या कर रहा है, हिताची होम क्या कर रहा है इस वक्त, वर्लपूल क्या कर रहा है, अगर आप देखें ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर आपके स्क्रीन पे 2% ऊपर, ब्लू स्टार, वीडियो कॉन, सिम्फनी अगर आप देखें, और हिताची होम लगभग 1% ऊपर। तो यहां पर एक इंपैक्ट विजिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन आई थिंक यस फॉर द टाइमिंग। इस बीच आप हीरो मोटरकॉर्प को देखिए 3% ऊपर। देखिए हीरो मोटरकॉर्प के लिए दो प्रोस्पेक्टिव अच्छी खबर है, एक ये खबर वेतन आयोग की सिफारिशों का मंजूर हो जाना, और दूसरा अच्छा मानसून। टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 302। और इस बीच मुदित गोयल भी मेरे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। मुदित एग्जैक्टली अभी इस खबर का इम्पैक्ट दो स्टॉक्स पे, तीन स्टॉक्स पे विजिबल। आप देखिए हीरो मोटरकॉर्प, मारुति, इन पर आप क्या रखें, फॉर द टाइमिंग एक अपॉर्चुनिटी की बात करूँ मैं, इसमें से किसी स्पेस में नजर आ रही है आपको? बिल्कुल वीरेंद्र, हीरो मोटर कॉर्प का टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो स्टॉक में एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट 3120 के आसपास निकल कर आ रहा है। अगर स्टॉक में आज उस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है एक बार फिर ईयरली हाई करीब 3200-3250 तक के लेवल हीरो मोटर कॉर्प में देखने को मिलेंगे। दूसरा काउंटर है टीवीएस मोटर, काफ़ी अट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, लोअर साइड में कहीं ना कहीं 285 रुपये और अपर साइड में 305। जैसे 305 रुपये का स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, मुझे लगता है 325 से 330 तक के अपसाइड मूव टीवीएस मोटर में भी देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही काउंटर्स काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं।